एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे हो आप सब? तो आज हम फिर से देखने जा रहे हैं हमारे खान सर की ठग लाइफ का वीडियो। तो मतलब ऐसे खान सर की वीडियो देखने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है, पहली बात तो ये ही है। तो यहाँ पे की टू सक्सेस का जो मोटिवेशन आज हमें देने जा रहे हैं हमारे खान सर विद द बीस्ट ब्यूटिफुल एंड वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं। सीरियसली यार, मतलब खान सर के जो भी मतलब अंदाजा है ना, उनका तरीका जो तरीका है उनका मतलब एक्सप्लेन करने की चीजों को, और मतलब बच्चों के दिमाग में ऐसा घुसाने का, मतलब उनके जैसे और कोई नहीं बता सकता। मैं ये बात मतलब 102% गारंटी देकर बता सकती हूँ। तो आज हम ये खान सर की जो ठग लाइफ वाली वीडियो वी आर गोइंग टू सी इट टुडे एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। मोबाइल में निकाल के कौन सी कर रही है, मतलब जिसको देखो वो खाने सर को बेवकूफ समझता है, उस यार समझती अपने से जी नहीं देखे चूके। हमसे शादी करोगे तो रजिया सुल्तान दिल्ली में पहले से फसल थी भाई, आपके पिताजी से गलती हो गई थी, परिचय क्यों दे रहे हैं यहाँ आपका बबनी आपके पीछे, आप ही को बोल रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, मोबाइलवा निकाल के कौन सी कर रही है। तो पता नहीं कहा आपने को ना, लड़की से खूब होशियार समझती है। मुर्गी सबको देखिएगा ना, उसको दौड़ाइएगा ना, तो अपना मुआ को भोंका में घुस के आखो होशियार बनेगी। छुप गए हम, छुप गए, पीछे से कुत्ता टांग के जगह चल जाएगा। वो अपने को छुप के समझ, पढ़ाई के बीच में समझे में नहीं आ रहा है सब, मतलब जिसको देखो वो खाने सर को बेवकूफ समझता है। अरे नहीं नहीं, दोबारा मोबाइल निकल गया तो नंबर यहाँ लिख देंगे। तो खुश हो रहा है, लाइव वाला कह रहा है कि क्लास में जैमर लगा दीजिए, मोबाइल जैमर सही वो भी हो जाए। इतना आप लोगों को कोई समझाएगा थोड़ी ना सब चीजें में, और उस यार समझती अपने सर जी नहीं देखे चूके। एप्लीकेशन वाले आप लोग ठीक है, आप लोग कौन सी कर रहा होता हमको यहाँ से नहीं ना दिखता है। अब रजिया सुल्तान ने यहाँ पर क्या करने चली गई, आक्रमण करने चली गई कि यहाँ तबर हिंद के शासक को क्या करेंगे हम हरा देंगे, अल्तुनिया को यहाँ से पूरी तरह से क्या कर देंगे हरा देंगे। तो ये सेना लेके गई उसको हराने के लिए, और युद्ध के मैदान में रजिया सुल्तान जीत भी रही थी, लेकिन तबर हिंद के शासक भारी पड़ गए और उसने कहा रजिया सुल्तान को हराने लगा। अब रजिया सुल्तान को लग गया कि ले सोच रहा हम तो हम हार जाएंगे, क्या हो जाएगा हार जाएंगे। तो हारने लगी तो उसके सामने प्रस्ताव रख दी कि हमसे शादी करोगे। अब आप बताओ इतना बड़ा कोई ऑफर छोड़ेगा, तुम जी छोड़ोगे मिथुन चक्रवर्ती ऑफर छोड़ोगे? हाँ नहीं तो खुद बहुत सोच समझ के बेचारा बोल रहा था, डरते हुए कर नहीं, नहीं सर। तो ये ऑफर छोड़ा नहीं, अब दोनों शादी कर लिए। तो शादी करके जब ये लौट रहे थे यहां से, लौट रहे जब हरियाणा में पहुंचे तो रजिया सुल्तान दिल्ली में पहले से फसल थी। इतिहास में हम सब आपको हिस्ट्री के बैच में पढ़ाएंगे। और यहाँ वो सब प्लानिंग करके, यहाँ पे 40 गो सरदार था, 40 सरदार दल, इन्होंने डाकुओं से मिलकर कैथल में रजिया सुल्तान की क्या करा दिया, हत्या करा दिया। तो कैथल में किसकी मृत्यु हो गई, कैथल में रजिया सुल्तान। और हरियाणा तो पता ही है भाई सब, हरियाणा में यहाँ पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कितनी मृत्यु हुई कौन गिना आज तक। देते एक बार खाप पंचायत से फैसला सुना दिया गया था कि लड़कियां जो स्कूल जाएंगी उनको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, और ट्रैक्टर पे बैठ के जा रही थी वहां पे, मतलब ट्रैक्टर का बहुत नॉर्मल हाल, लड़की उड़की सब ट्रैक्टर चला लेती, तो ट्रैक्टर टाली पे कुर्सी उर्सी लगा दिया गया था सोफा टाइप के, उस पर लड़की बैठ के जाती थी। तो डिसीजन एक बार दिया था, न्यूज में आया था कि उन सबको सर नीचे करके जाना है। भाई साहब सब नियम लड़की पे काहे थोप देता है, हाँ नियत लड़कों की खराब होती है, घूंघट लड़कियों की निकाली जाती है। Yes, true, sir. क्या जी पंचायत का नाम है खाप, जैसे वहां पंचायत नहीं समझते, खाप खाप नाम है पंचायत का, खाप पंचायत, मुखिया वगैरह लोग बैठ के डिसीजन देते हैं लोग उसमें। कभी कभी देखिए भारत समाज जो है ना पुरुष समाज, इसको चेंज करने में 100-200 साल लगेंगे, इसको लड़की लोग को भी समझना चाहिए इस बात को लेकर कि भाई अगर आपको आपसे 10 लड़का से 10 गलती होगा तो लोग सवाल कम पूछेंगे, लड़की से एक गलती होगा तो इस समाज में 75 को सवाल पूछा जाएगा। हाँ। ये रूल होता है। अभी देखिए एक लड़का पीछे पड़ोसी की संपत्ति बैठा हुआ है, हल्ला कर रहा है वहां पे, उसकी कोई गलती है?
किसकी गलती है बेचारा भाई, आपके पिताजी से गलती हो गई थी, परिचय क्यों दे रहे हैं यहाँ? कल एक लड़का पूछ रहा था सर मशरूम क्या होता है, कुकुर मुत्ता देखे छाता, वो मशरूम है उसकी 8-10 कैटेगरी आती है, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो 3-3 लाख रुपया किलो हैं, कुछ जहरीले हैं खाएंगे तो टपक जाएंगे, और कुछ तो गांव देहात में नॉर्मल मिल जाते हैं। तो मशरूम की खेती होती है, आजकल तो मशरूम बहुत ज्यादा हो गया है। एक दिन ABP न्यूज देख रहे थे तो उसमें चैनल चला था मशरूम खाओ मोदी बन जाओ, क्या हमारी राष्ट्रीय मीडिया पे चल रहा था। अरे भैया मोदी जी मशरूम खाते हैं, नॉर्मल आदमी भी खाता है, बट ये चीज हमारी नेशनल मीडिया पे चलेगा मशरूम खाओ मोदी बन जाओ, तब से हम 1 महीना कंटिन्यू खाएं। ओ सर बने, कोई फायदा नहीं है मशरूम खाओ मोदी बन जाओ, कुछ दिन में कहेगा आलू खाओ लालू बन जाओ। ये सब नेशनल मीडिया पे ये मुद्दा है, अजब हाल है भाई सब। सर यार खान सर की मतलब वीडियो ऐसी होती है ना, बंद करने का नाम मतलब मन नहीं करता है मुझे, लेकिन ठीक है कोई ना, ये वीडियो इनकी इतनी थी, ये वाली जो है तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, ये वाली जो खान सर की वीडियो है तो पहली बार ही देखा है, इसके पहले ये वाला जो इनका सेशन था तो मैंने नहीं देखा है पहले। तो सर ने जो स्टार्टिंग में बोला कि लाइक जब बच्चे मतलब पढ़ाई करते हैं मतलब क्लास में बैठे तो बिना ध्यान दिए तो मोबाइल पे से तो मतलब एक आंख बंद करके ऐसा मतलब मैं चुप गई, लेकिन नहीं खान सर को सब कुछ दिखता है, खान सर को उल्लू बनाने का नहीं है ना सीरियसली। लेकिन मैं बात करूँ तो खान सर इतने ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स देके बढ़ाते हैं ना बच्चों को, मैं सीरियसली मजा आ जाता है, और क्या ही सैवेज आंसर्स यार। मैं ऐसे मतलब सच में मैं बोलूँ ठीक है यार, टीचर पढ़ाते वक्त मोबाइल मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इट फील्स वेरी मच इंसल्टेड यू नो, मतलब एक बंदा मतलब बोल रहा है आपके लिए और टीचर मतलब और टीचर आपके लिए मतलब पढ़ा रहा है इतना सब कुछ मतलब मेहनत करा घरा भाड़ भाड़ के उनको नॉलेज मतलब आपको दे रहा है, मतलब कुछ तो अपना टाइम इन्वेस्ट करते, प्लीज डू लिसन टू हिम, अगर मतलब सुन भी नहीं रहे हो तो प्लीज मतलब उनको सिर्फ उनको देखते तो रहो यार प्लीज, मतलब मोबाइल यूज मत करो सीरियसली, इतना इंसल्टेड फील होता है ना मतलब इतना दुख मतलब लगता है ना उनको ये देख मतलब बयान नहीं कर सकते, और मतलब ऐसे सैवेज रिप्लाई निकल आता है बाद में, तो समझो प्लीज डोंट डू दैट। ऑनलाइन लेक्चर्स में ठीक है यार मतलब टीचर हमारे सामने नहीं थे, टीचर को भी नहीं पता रहता है एंड ऑल दैट स्टफ, इट इज कूल, बट ऑफलाइन लेक्चर्स में प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि दिल को ठेस पहुंचता है यार प्लीज। तो दैट इज इट फॉर टुडे, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गया प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।